तो सुपर 30 देखी आपने ऋतिक रोशन के बारे में, सुपर 30 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना तो बहुत कुछ है जो कि अंदर से निकलने के लिए जो है जल्दी नहीं निकल पाएगा। और रहेगी दूसरी बात कि हमारा जो है देश बहुत उन्नति की तरफ जा रहा है, और ये जो है अपना कुछ समय पहले की ये रियली स्टोरी है और उसके बारे में दर्शाया गया, जो आनंद जी ने जो मतलब कुछ गरीब बच्चों लोग के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई है कि जो गरीब बच्चों लोग को मतलब वो जो है इस तरीके से मतलब ढाल के प्रोफेसर जो है इस मतलब है यहाँ तक मतलब जा सकता है कि गरीब बच्चे लोग को मतलब प्रोफेसर लोग ये करते हैं, और अपनी सरकार जो कुछ ऐसे प्रोफेसर लोग को ध्यान नहीं देती है। तो ये मैं यही चाहूँगा कि अगर ये पिक्चर नहीं है तो हर एक सरकार के हर एक गवर्नमेंट अफसर को ये पिक्चर देखना चाहिए। और रहेगी ये पिक्चर पूरी मूवी में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मुझे हर एक सीन जो है दिल को छूने वाली, इतनी मूवी मैं देखा लेकिन कभी भी मुझे ये मूवी मतलब दिल को छू के नहीं रही। फाइट है, गाना है वगैरह वगैरह, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी के ऊपर आधारित है और वो भी रियल में, अगर मैं वो देख रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी के साथ भी अगर वो जुड़ा हुआ है तो बहुत सही रहता है। और देखने के माने जब आँख के सामने होता है और उसके बारे में रियल स्टोरी उसको बताया जाता है, तो इसके अंदर देखिए ऋतिक रोशन की मैं तो बोलूँगी इतनी मूवी आई होगी उससे सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ ये मूवी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पहली बार उन्होंने इतनी हट के एक्टिंग की है, मैं सोच भी नहीं सकता था इतना ऋतिक रोशन इतना बेस्ट और इतना प्रोफेसर के, और जो है जैसे गरीब बच्चे लोग कैसे रहते हैं, फटा है ऐसा है वैसा है, अभी पीछे कपड़ा फट गया तो उसको भी हम लोग छुपाते हैं। देखिए ऐसे माहौल में रह करके एक प्रोफेसर जो है, और जब उसको जो है एक मतलब कोई बड़ा आदमी बोलता नहीं आप एजुकेशन हो, आप कैम्ब्रिज नहीं। देखिए जैसे आज के तारीख में जैसे शिक्षा मंत्री बोलते हैं तो यहाँ पे अगर उनको एक अवार्ड मिलता है तो उनको एक बोला जाता है कि हमारे लिए आपके लिए दरवाज़ा बहुत खुला है, जब भी कोई ज़रूरत हो आता आप चले। तो एक शख्स उनके पास जाता है कि मुझे अभी कैम्ब्रिज में एंट्री मिल गया है, थोड़ा बहुत आपसे मदद चाहिए, तो वहाँ पर अगर जाता है तो वहाँ पर वो रक्षा मंत्री जो है नज़रअंदाज करता है। ये गलत है, ये नहीं। देखिए आप लोग बोलते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और ऐसे, तो ये नहीं है। तो यही मैं चाहूँगा नया सरकार को कि अब जो है कोई आनंद के बारे में ऐसा जो है मतलब नहीं, मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो लड़का एजुकेशन है पढ़ाई में करना चाहता है, जो गरीब है उसको भी ऐसा रास्ता दिया जाए कि वो बेचारा पढ़ सके, लंदन जाए कहीं भी जाए पढ़ सके और कहीं भीख ना माने और कहीं सर पे ले। आप बोलते 14 साल का लड़के को काम नहीं करना चाहिए, अभी भी हैं क्यों मजबूरी में काम करते, पढ़ सकते लेकिन पढ़ नहीं सकते। इसके अंदर वो बताया गया, रियल में बताया गया कि वो लड़का जो है छोड़ करके काम छोड़ के ये फ्री में पढ़ने के लिए जाता है। देखिए स्टोरी नहीं है ये थोड़ा बहुत है, बच्चे लोग को जब मालूम नहीं पड़े स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, रियल स्टोरी है। इसमें एक ऐसी दर्द भरी कहानी बताई गई है कि हर एक फैमिली को भले एक दिन बच्चा कॉलेज और स्कूल नहीं जाए लेकिन पूरी फैमिली के साथ बैठ के ये मूवी देखनी चाहिए। क्यों? वो उसमें सब बताया कि माँ बाप कितने मेहनत करते हैं अपने बच्चे लोग को पढ़ाने के, भेजते हैं और क्या करना चाहिए और बच्चे लोग को आगे बढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में दर्शाया गया। तो मैं यही चाहूँगा कि हर एक दर्शक को ये मूवी देखना चाहिए, और हमारे ऋतिक रोशन जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत भाग है, सबसे जितनी भी मूवी है उसमें से ये सबसे नंबर वन मूवी उनकी निकली। देखिए इस मूवी को जितना भी स्टार दिया जाए कम है, क्योंकि ये मूवी हटके है और देश में अपने देश में ये सच्चाई पे आधारित ये मूवी बनाई गई है, और इसको है ना कितना भी आप लोग सिर्फ 5 लेके निकलते तो 5 जो है इसमें जो ऋतिक रोशन इतनी बेस्ट एक्टिंग की है उनके लिए, और पिक्चर जो एकदम नंबर वन। मैं ये चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो है सोया हो कुछ भी हो पागल हो कुछ भी हो गया होगा ये मूवी आके बैठ के देखो, वो खुशहाल हो जाएगा और उसके ज़िंदगी में खुशहाली हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे। 5 पिक्चर को 5, और जिसने भी मेहनत करके बनाया है उसके लिए 5।